हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं रेटिंग करने वाला हूँ यूपी योद्धा की टीम में। आखिर कैसी है इस बार की यूपी योद्धा की टीम? मैं यूपी योद्धा को 5 में से कितना भी स्टार दे सकता हूँ? जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ यूपी योद्धा की टीम को। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। मैंने दोनों जगह पर नया अपना अकाउंट बना लिया, तो जाकर वहाँ पर भी आप फॉलो कर लीजिए। मैं वहाँ पर सबसे पहले आपको कबड्डी के अपडेट्स दूंगा, कोई भी होगा तो उसका फोटो मैं वहाँ पर सेंड कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर वो अपडेट दे दूंगा आपको। और मैं इंस्टाग्राम पर बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करता हूँ। कोई भी प्रदीप नॉल का रेड हो या किसी भी प्लेयर का रेड या डिफेंस सबसे अच्छा होता है वही मैं अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। मैं वहाँ पर प्रदीप नॉल और पवन सराउत की सारी की रेड मैं आपको अपलोड करके दूंगा। इंस्टाग्राम पर जाकर आप फॉलो कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम का। तो जाकर दोनों जगह मुझे लाइक कर लीजिए। मेरा फेसबुक पेज का नाम है टोटल कबड्डी। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बस आपको टोटल कबड्डी लिखना है तो मेरा अकाउंट आ जाएगा, उसके बाद आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं यूपी योद्धा की, आखिर 5 स्टार में से कितना स्टार मिल सकता है यूपी। और आप भी जाकर मुझे कमेंट बताइए आप कितने स्टार देते हैं यूपी योद्धा को, और आपको कैसी लगी इस बार की यूपी योद्धा की टीम। यूपी योद्धा इस बार चैंपियन बन सकती है, और मैं अगला वीडियो किस टीम के ऊपर बताऊँ, तो जाइए जल्दी से जाकर आप ये सब कमेंट में मुझे बताइए। तो चलिए देख लेते हैं यूपी योद्धा की स्टार्टिंग से होना कि सेंटर पोजीशन में कौन से प्लेयर खेलेंगे। तो वहां पर सबसे अच्छे इनके पास विकल्प है रिशांग देवडिगा। जी हाँ दोस्तों, रिशांग देवडिगा वहां पर खेलेंगे। और लेफ्ट कवर पर खेलने वाले अमित कुमार। जी हाँ दोस्तों, अमित कुमार वहां पर खेलने वाले। तो चलिए देख लेते हैं राइट कवर पर कौन से प्लेयर खेलेंगे, वहां पर कौन से प्लेयर सबसे अच्छा खेल सकते हैं। तो वहां पर सबसे अच्छा इनके पास विकल्प है मोहसिन मसूद, जो पिछले साल तेलुगु टाइटन्स में थे और वहां पर बहुत ही अच्छा इनका प्रदर्शन था। तो चलिए देख लेते हैं लेफ्ट इन में कौन से प्लेयर खेलेंगे। तो वहां पर इनके पास सबसे अच्छा विकल्प है श्रीकांत यादव। जी हाँ दोस्तों, श्रीकांत यादव वहां पर हमें खेलते हुए दिख सकते हैं। और अगर बात करें राइट इन में कौन से प्लेयर खेलेंगे, तो वहां पर इनके पास सबसे अच्छा विकल्प है मोनू गुएत। जी हाँ दोस्तों, वहां पर मोनू गुएत खेलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं राइट कॉर्नर और लेफ्ट कॉर्नर पे कौन से प्लेयर खेलेंगे। तो इनके पास बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। लेफ्ट कॉर्नर में खेलने वाले हैं सचिन कुमार, राइट कॉर्नर में खेलने वाले हैं नीतीश कुमार। अब बात आती है यूपी योद्धा टीम की रेटिंग करने की, तो मैं 5 स्टार में से देता हूँ इनको 4.5 स्टार। जी हाँ दोस्तों, मैं 4.5 स्टार देता हूँ, क्योंकि इस बार यूपी योद्धा की रेटिंग से लेकर डिफेंस सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप वहाँ पर खुद ही देख सकते हैं इनके पास कॉर्नर भी बहुत अच्छे हैं, और रेडिंग के लिए इनके पास मोनू गुएत भी आ गए और हैं। कवर की बात करते हैं, कवर पे भी बहुत ही अच्छे दो प्लेयर हैं, दोनों ही कवर के एकदम ऑफिशियल प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे दोनों कवर के प्लेयर हैं। और इस बार ये टीम सभी टीमों को बराबरी टक्कर देगी, इस बार बहुत ही अच्छी है यूपी योद्धा की टीम। और आपको कैसी लगी यूपी योद्धा की टीम प्लीज मुझे आप जाकर कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, और आप मुझे कमेंट में आइडिया बताइए मैं आपको किस टॉपिक पर वीडियो बना के दूं। तो जल्दी से जाइए और कमेंट।